ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि लंबे इंतजार के बाद गृह मंत्री साहब यहाँ पर अपना प्रोग्राम बना के आए हैं। हम लोग को खुशी है कि लोग बड़े उत्साह के साथ हर एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। कल जम्मू का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया वहाँ के कार्यक्रम में, और आज यहाँ का प्रोग्राम भी देख रहे हैं सुबह से आप लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के कार्यक्रम आज दिन को रहे और जिस तरह की उम्मीदें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से आने से बनी हैं, जहाँ पर तरक्की के और अमन के रास्ते और हमवार होंगे और मजबूत होंगे। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, उसमें कुछ बाइक्स वगैरह भी सीज की गई, तमाम चीज़ें भी हुई। ये सिक्योरिटी की ये इश्यूज होते हैं, ये डे टू डे बेसिस के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है। सिटी में कुछ वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए थे जिसके चलते हम लोग अपनी कार्रवाइयाँ सब फ्रंट के ऊपर कर रहे थे, क्योंकि मिलिटेंट ज़्यादातर टेररिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके चलते उसका। आज माननीय अमित शाह जी का जो दौरा था, मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल अच्छा दौरा रहा, और जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया और बातें की कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, मैं समझता हूँ वही एक रास्ता है कि यहाँ के जो जवान हैं उनको आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए और आने वाले समय में जो मेन स्ट्रीम है उनको ज्वाइन करना चाहिए। ये समझता हूँ उन्होंने अच्छी एलिगेशन, उन्होंने खाली एलिगेशन नहीं दी बल्कि अच्छा बोला उन्होंने, क्योंकि आप खुद समझते हो जिन तीन परिवारों ने यहाँ पे राज किया उन्होंने खाली तीन मेडिकल कॉलेज दिए, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2 साल सरकार हुए और 7 मेडिकल कॉलेज आए, खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी गैप रही है। यहाँ पे पीस होना है वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के नागरिक ला सकते हैं, कश्मीर के नागरिक ला सकते हैं, और उन्होंने अच्छी बात बोली कि किसी और देश से हम लोग क्यों बात करें, हम अपने जवानों से बात करेंगे और उनको अच्छे रास्ता दिखाएंगे। उन पे जो महबूबा मुफ्ती का निजी बयान है मैं उस पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता।